हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मोमिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त नाजिया। प्रेगनेंसी डाइट सीरीज शुरू की है जिसमें हम प्रेगनेंसी में डाइट रिलेटेड सभी जो कॉमन क्वेरीज होती है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हम डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से प्रेगनेंसी में जुड़े कॉमन सवाल कि क्या खाएं क्या ना खाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या चीज़ें हैं जो सुपर फूड्स होती हैं प्रेगनेंसी में जिन्हें आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको परहेज करने की ज़रूरत है और किस तरह का डाइट चार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी और आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके के सवालों को हम अलग अलग वीडियोज़ में सीरीज़ में कवर करेंगे। आज प्रेगनेंसी डाइट सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने किया था प्रेगनेंसी सुपर फूड्स के बारे में, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा वीडियो के एंड नोट में आपको उसका लिंक भी मैं दे दूंगी। आज हम एक और दूसरा टॉपिक इस सीरीज में लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या वो फूड होते हैं जिनको आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, उनसे आपको बहुत परहेज करने की ज़रूरत है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मोमिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक रेगुलरली पहुँच सकें। तो पहली चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है प्रेगनेंसी में वो है कच्चे अंडे, यानी कि रॉ एग्स। इवन सेमी कुक्ड एग्स यानी कि अधकच्चा अंडा भी है अगर, तो वो भी आपको अवॉइड करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कच्चे अंडे में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रेगनेंसी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कि सैल्मोनीला नाम का बैक्टीरिया। वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम कच्चा अंडा खाते हो उसमें प्रेजेंट रहता है और वो प्रेग्नेंट मदर को और उसके बेबी को हार्म पहुंचा सकता है। इससे जनरल डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे कि पेट ख़राब हो सकता है या और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इवन और ज़्यादा प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क वगैरह भी हो सकते हैं जैसे कि मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि अंडा जब भी आप कंज्यूम करें उसे अच्छी तरीके से कुक करके कंज्यूम करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं जिसमें अंडा हो सकता है तो मेक श्योर कि उसमें प्रॉपरली कुक्ड अंडा हो। अगर आप श्योर नहीं है तो उस खाने को अवॉइड करें। कुछ मेयोनीज की प्रिपरेशंस में रॉ एग का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कुछ केक आइसिंग भी होती है जिसमें वाइट एग वाइट का इस्तेमाल होता है। कुछ सैलड्स वगैरह में भी रॉ एग का इस्तेमाल हो सकता है या कुछ और प्रिपरेशन में सेमी कुक्ड एग्स भी हो सकते हैं। तो आप इंश्योर करें बाहर आप जो भी खा रहे हैं उसमें केयरफुली ध्यान दें कि उसमें कच्चा अंडा तो नहीं है, और अगर है तो उससे खाना अवॉइड करें। अंडा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक पावर फूड है, वो एक सुपर फूड है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अंडा एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है और उसमें कोलाइन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो कि बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो बच्चे के ग्रोथ के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए अंडे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अंडा खाते हुए आपको एक और प्रिकॉशन लेना है कि उसे मॉडरेशन में खाएं, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एग ना करें, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल इशू है यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो भी आपको अंडा खाना अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको अंडा खाना चाहिए या नहीं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे अफेक्ट ना हो। जो दूसरी चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है अनपैस्चराइज्ड मिल्क, यानी कि जो दूध कच्चा है जिसे उबाला नहीं गया है, जो पैस्चराइज नहीं हुआ है, उस दूध को आपको कंज्यूम नहीं करना है या बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी में हार्मफुल हो सकता है। क्या होता है कि जो कच्चा दूध होता है उसमें कुछ हार्मफुल जीवाणु या हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं जैसे कि सैल्मोनीला, ई कोली, लिस्टेरिया और अन्य जीवाणु हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में आपके बेबी को हार्म पहुँचा सकते हैं, यहाँ तक कि मिसकैरेज भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए दूध जब भी कंज्यूम करें तो उसे अच्छी
तरीके से उबाल के ही इस्तेमाल करें या पैस्चराइज मिल्क का ही कंजम्पशन करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा सॉफ्ट चीज़ को भी खाना अवॉइड करें। सॉफ्ट चीज़ में भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है जो प्रेगनेंसी में अच्छे नहीं होंगे, प्रेगनेंसी में नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं सॉफ्ट चीज़, तो फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको खाना चाहिए या कितने क्वांटिटी में आप ले सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप पनीर खाना चाह रहे हैं तो पनीर को भी प्रॉपरली कुक करके खाएं तो फिर बेहतर रहेगा। हार्ड चीज़ आर कंसिडर टू बी सेफ, हार्ड चीज़ आप ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, वो सेफ होते हैं, बट फिर भी आप अगर आपको उस पर भी डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है बहुत सारा कैल्शियम, इसके अलावा इसमें प्रोटीन, मिनरल्स और अन्य विटामिन होते हैं जो बेबी के बोन्स के लिए और उसके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हुए कच्चा दूध आप अवॉइड करें, सॉफ्ट चीज़ अवॉइड करें, इस तरीके से आप सेफली मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है रॉ और अंडर कुक्ड नॉन वेजिटेरियन फूड। अभी हमने नॉन वेज फूड में अंडे की तो बात की थी, बट अन्य जो नॉन वेजिटेरियन फूड हम लेते हैं जैसे कि मीट हो गया या चिकन हो गया या फिश या सी फूड या जो भी आप नॉनवेज फूड खा रहे हैं, वो बिल्कुल भी कच्चा, किसी भी फॉर्म में कच्चा नहीं होना चाहिए या इवन अध कच्चा, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी कच्चा है, प्रॉपरली कुक नहीं है, तो वो हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि कुछ बाहर के खाने होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल सी फूड है, जैसे कि सुशी, जिसमें अगर वो प्रॉपरली कुक नहीं है सी फूड, उस तरीके के खाने को भी आप अवॉइड करें। और बाहर का खाने में कोई सैलेड है या कुछ इस तरह की प्रिपरेशन है जिसमें प्रॉपरली कुकड नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप उस तरीके के खाने को ना खाएं। इंश्योर करें कि जब भी आप नॉनवेज फूड ले रहे हैं तो उसे प्रॉपरली कुक वे में ही लें, ताकि उसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया या अन्य जीवाणु जो उसमें होते हैं वो अच्छे तरीके से उसमें ख़त्म हो जाएं, ताकि वो प्रॉपरली सेफ हो और वो डाइजेस्ट होने में भी ईजी हो जाएगा जब वो प्रॉपरली कुक्ड होता है। लीन मीट और फिश जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रेगनेंसी डाइट के लिए। इसके अलावा इसमें आयरन और अन्य विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसलिए फिश का कंजम्पशन भी बहुत बेनिफिशियल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो नॉनवेज फूड को आप ज़रूर खाएं, लेकिन कुछ सावधानियाँ आप इससे रिलेटेड कि उन्हें कच्चा ना खाएं, इस तरह की सावधानियाँ ज़रूर बरतें। जो चौथी चीज़ आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है स्ट्रीट फूड, यानी कि बाहर का खाना। बाहर का खाना आपको अवॉइड बहुत सारे रीज़न्स की वजह से करना है, क्योंकि जो बाहर का खाना होता है, सबसे पहले तो उसमें हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से बनाया गया है, यानी कि उसमें प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन हुए हैं या नहीं। वो हाइजीनिकली अगर नहीं प्रिपेयर हुआ है तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हो सकते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में हार्मफुल हो सकते। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एडिशनल सब्सटेंसेस उसे और अपीलिंग और फ्लेवरिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप एग्जैक्टली श्योर नहीं होते कि क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं जो हो सकता है आपके लिए हार्मफुल हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि स्ट्रीट फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें। मेरी प्रेगनेंसी में मेरे डॉक्टर ने सिर्फ इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था कि मुझे अगर कोई चीज़ अवॉइड करनी है कम्प्लीटली तो वो है स्ट्रीट फूड, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, रिस्की हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं खाने के वो कहा था, नो मैटर हाउ मच क्रेविंग अगर आपको हो रही है तो भी आप अवॉइड कीजिए। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं खानी है वो है हाई सोडियम और हाई शुगर फूड्स। बेसिकली हाई सोडियम फूड बाहर के खानों में होता है और बहुत सारे पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, उन सब में भी बहुत सारे एडिशनल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस डाल के उन्हें और या फिर उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक वो फ्रेश रखने के लिए उनमें हाई सोडियम कंटेंट होता है या बहुत ज़्यादा शुगरी होते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ या चिप्स या फ्रेंच फ्राइज या अन्य जो बाहर के खाने होते हैं, स्ट्रीट फूड हो गया या बहुत सारे पैक्ड खाने की चीज़ें जो मिलती हैं, रेडी टू ईट खाने की चीज़ें होती हैं, तो उस तरीके के खाने को आप अवॉइड करें। ऐसे खाने या जिनमें हाई सोडियम कंटेंट होता है वो प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन भी कर देता है, जिससे कि ओडीमा जैसे कंडीशन एग्रावेट हो सकती है, जिसमें कि प्रेग्नेंट औरतों को पैरों में सूजन वगैरह की समस्या होती है। इसके अलावा ये हमारा ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट करता है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे रिस्क को बढ़ा सकता है, और ड्यूरिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो आपको कम्प्लीटली इन फूड को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। जो अगली चीज़ आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी या फिर लिमिट करनी है वो है कि
कैफीन का इंटेक। कैफीन जो होता है वो पाया जाता है चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट्स में और कुछ एयरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। बेसिकली कैफीन जो होता है वो एक स्टिमुलेंट होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जब हम जैसे ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें इमीडिएटली जो है वो अवेकन करता है, अलर्ट करता है, बिकॉज़ वो हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो जब हम उसे कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, उससे बहुत सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जब हम कैफीन इनटेक करते हैं तो वो हमारी बेबी के बॉडी में भी पहुंच सकता है और बेबी की बॉडी इस लायक नहीं होती है कि वो उसको टॉलरेट कर पाए, तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती और बेबी की हेल्थ बहुत अफेक्ट हो सकती है उससे। और इसके अलावा अन्य रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि लो बर्थ वेट या मिसकैरेज के चांसेस को भी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप टी एडिक्ट हैं, तो आप बहुत ही मॉडरेशन में उसका कंजम्पशन करें या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आप कैफीन रिलेटेड चीज़ें खा सकते हैं कि नहीं, आप कितना क्वांटिटी में ले सकते हैं। मैं खुद एक टी एडिक्ट हूँ, मुझे चाय, मतलब मेरी फैमिली में सब एवरीबॉडी इज़ टी एडिक्ट, बट ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी आई मेड श्योर कि मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊँ, ताकि मैं इंश्योर कर सकूँ कि मेरी बेबी के हेल्थ अफेक्ट ना हो, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसी तरह जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं खानी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है कि बाहर के जो पैक जूसेस होते हैं या फिर जो एयरेटेड सोडा बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। उनमें बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में, आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट कर सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा सकता है, इसके अलावा अन्य रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकता है और बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है वो प्रेगनेंसी में। बहुत सारे जो मार्केट में टेट्रा पैक वाले जूसेस आते हैं, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स को केयरफुली देखें तो उनमें लिखा होता है कि उनमें एक्चुअल फ्रेश फ्रूट जूस कम्प्लीटली नहीं होता है, उनमें फ्रूट कॉन्सेंट्रेट होता है, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट यानी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड जूस डला होता है, बाकी वाटर एंड अन्य फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, प्रिजर्वेटिव्स और अन्य चीज़ें होती, कलर्स वगैरह भी बहुत से जूसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें कम्प्लीटली। अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो फिर आप होममेड फ्रेश जूस ही लें, घर पे बनाया हुआ फ्रेशली स्क्वीज़ किया हुआ जूस, निकाला हुआ जूस ही आप उसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाहर का जूस जो होता है, जो बाहर आपको जूस की दुकान में जूस मिलता है, वो भी आप अवॉइड करें, क्योंकि उस वो किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, कितना हाइजीनिकली प्रिपेयर किया गया है या किस तरीके के उसमें बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है, वो प्रॉपरली साफ़ सुथरे, उसमें हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं, आप श्योर नहीं होते हैं और वो हार्मफुल हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप घर पर ही जूस निकाल के उसे कंज्यूम करें, और एयरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा बेस, वो तो कम्प्लीटली आप अवॉइड करें, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है फॉर आर हेल्थ जनरली एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी नहीं। जो अगली चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि शराब आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो बेहतर यही रहेगा कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप, या अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो एज सुन एज पॉसिबल इसे क्विट कर दें, इस हैबिट को आप हेल्प लें, प्रोफेशनल हेल्प सीख करें ताकि आपको क्विट करने में मदद हो। अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं वो बेबी के बॉडी में पास ऑन हो जाता है एंड वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है, मिसकैरेज भी कॉज कर सकता है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको नहीं खाना है, यानी कि जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएँ उससे पहले, इवन आप कुक करने जा रहे हैं कोई सब्ज़ी, तो आप अच्छी तरीके से धोएं, इस बात को इंश्योर करें, उसके बाद ही उन्हें कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं उसकी स्किन में हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हो सकते हैं जो हार्म पहुँचा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे फ्रूट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं उनका छिलका उतार के, जैसे एप्पल वगैरह का छिलका उतार के अगर आप कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहता है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि आपको अपने मन से कोई भी दवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है।
क्या होता है कि हमारी आदत हो जाती है कि हमें कोई भी बीमारी, स्पेशली कॉमन इलनेसेस यानी सर्दी खांसी जुकाम या सर दर्द बदन दर्द में क्या होता है कि हमें एक बार हमने कोई दवा ली, चाहे वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी, वो हमें फ़ायदा कर गई, तो नेक्स्ट टाइम हमें वो तबीयत सेम कंडीशन अगर होती है तो हम खुद से वो दवा लेके ओवर द काउंटर जाके लेके हम खा लेते हैं। बट प्रेगनेंसी में इट इज़ अ कम्प्लीट नो। आप प्रेगनेंसी में सिर्फ वही दवाएं जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर, प्रेगनेंसी एंड इवन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो दवाइयां हम खाते हैं वो बेबी तक पास ऑन हो सकती है और बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है। इवन जो हल्की फुल्की बीमारियों की मेडिसिन हैं या सो कॉल लाइटर मेडिसिन है या इवन कफ सिरप है, कुछ भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन है, हमेशा अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और उनको इन्फॉर्म करके उनसे डिस्कस करके ही आप उन मेडिसिन को लें। सेल्फ मेडिकेशन कैन बी रियली हार्मफुल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट डू इट। जो नेक्स्ट चीज़ आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं खानी है वो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ग्रीसी ऑयली फूड। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अफेक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है उन पर प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे में हम अगर ऑयली और स्पाइसी फूड खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली है, ग्रीसी है एंड बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो उससे हमें और ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमारा जो बाकी न्यूट्रिशियस फूड जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन में वो हैम्फर कर सकते, उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने में दिक्कत कर सकते हैं हमारे बॉडी में। और प्रेगनेंसी रिलेटेड नॉजिया वॉमिटिंग यानी मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स को भी एग्रावेट कर सकती हैं, इसलिए स्पाइसी और ऑयली एंड ग्रीसी फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें। जो नेक्स्ट फूड आपको अवॉइड करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे कॉमनली अजीनोमोटो भी कहा जाता है, जो कि चाइनीज़ फूड में एक फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस के रूप में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं तो इंश्योर करें कि बाहर अगर आप खा रहे हैं तो उसमें MSG या अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और ओकेजनली अगर आपने गलती से खा लिया तो फिर ये इतना हार्मफुल नहीं होगा। हार्म ये तब करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में अगर MSG आप खा लेते हैं या अजीनोमोटो आपकी बॉडी में चला जाता है, तो फिर वो आपके बेबी को अफेक्ट कर सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट कर सकता है, इससे प्लेसेंटा को भी हार्म पहुँच सकता है। प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी को सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है कि आपको एक्सेसिव खाना एक बार में नहीं खाना है। एक कॉमन मिथ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको दो लोगों के लिए खाना खाना है, ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है। इनफैक्ट मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मेरी जो पहली काउंसलिंग करी थी मेरी डाइटिशियन ने, उन्होंने मुझे यही बताया था कि आपको दो लोगों के लिए खाना बिल्कुल नहीं खाना है, यानी कि एक बार में जब आप खाना खाएंगे एक बार में आपको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खाना नहीं खाना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान बहुत सारे होंगे। क्या होता है कि जब हम बहुत एक्सेसिव फूड, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड खाएंगे तो उससे हम वेट, ओवरवेट होने का रिस्क बढ़ाते हैं। ओवरवेट ज़्यादा अगर हम हो, वज़न हमारा बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क बढ़ सकते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमें हो सकता है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत हार्मफुल है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आइडियली आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आजकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको पूरे दिन भर में हर थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हेल्दी खाना या न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, यानी कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खाना है, हैवी खाना नहीं खाना है। आप लाइट हेल्दी न्यूट्रिशियस मील्स थ्रू आउट द डे आप खाएं, जो मुझे मेरी डॉक्टर ने बताया था, उन्होंने बोला था कि 3 घंटे से ज़्यादा मुझे भूखा नहीं रहना, हर 3 घंटे में मुझे थोड़े थोड़े मात्रा में कुछ कुछ खाना है। और अगर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंट एंड शॉर्ट मील्स लेते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी होता है और हमें वापस जल्दी से भूख लगती है, इससे मॉर्निंग सिकनेस भी कंट्रोल होती है, यानी नॉजिया वॉमिटिंग के जो टेंडेंसी होती है, उल्टियाँ आने के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें भी कंट्रोल होता है, एसिडिटी एंड हार्ट बर्न से भी हमें रिलीफ मिलता है। इसके अलावा
होगा, हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें भूख लगेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड एक दिन में खा पाएंगे, वैरायटी खा पाएंगे, जो हमारी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी वो खाने पीने की चीज़ें और आदतें जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनको आपको अवॉइड करना है और जिनसे आपको परहेज करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि आप इंश्योर कर सके एक हेल्दी प्रेगनेंसी। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मॉम इंसान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।